चलिए आज हम देखते हैं वर्ण विचार वर्ण विचार का मतलब क्या होता है कि हम जो ध्वनि जो हम बोलते हैं उस वो कितनी ध्वनियों से मिलकर बना होता है और जो ध्वनि है उसी को एक नाम दिया गया है वो क्या है वर्ण तो हमारी जो शब्द होते हैं जो हमारी बोलने की जो जो ध्वनि निकलती है जो ध्वनि का जो नाम दिया गया उसे वर्ण कहते हैं तो वर्ण के भी पार्ट किए जा सकते हैं क्या तो नहीं वर्ण की कोई वर्ण का डिवीजन नहीं किया जा सकता है शब्दों के डिवीजन होते हैं ये ध्वनियों का डिवीजन नहीं होता और ध्वनियों को भी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया गया है वर्ण की संरचना की गई ध्वनियों को जो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है जैसे हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं मान लीजिए कि हमने फल बोला क्या बोला फल तो जब हम फा बोले तो इसमें क्या क्या ध्वनिया निकली फा फा निकला उसके बाद फ बोले फा के पीछे में क्या निकला आ उसके बाद क्या निकला ला। तो आ के ला और ला के प्लस और क्या हुआ आ यानी कि जब हम कोई शब्द निकालते हैं जब हम कुछ भी बोलते हैं जो मैं बोल रही हूँ उन सबों में अलग अलग ध्वनिया है जब आप अलग अलग ध्वनिया को एसिमुलेट करके जोड़ के देखते हैं तो वो क्या है? होता है एक शब्द होता है अलग-अलग ध्वनियां -अलग एक साथ मिलती हैं अलग-अलग वर्ण एक ध्वनि को ही वर्ण कर का लिखित रूप दिया गया है जो हमारी मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसी का लिखित रूप क्या है वर्ण तो जो वर्ण होता है तो वही वर्ण क्या होता है हमारे अलग-अलग होते हैं हर शब्द का उच्चारण तो अलग होता है ध्वनि अलग होती है जैसे हमने फल बोला तो फल में क्या-क्या ध्वनि क्या निकली फ अ ह के बाद आ ल अ हुआ उसी प्रकार अगर हम कलम बोलते हैं ठीक है अगर हम कलम बोलते हैं तो क्या क्या ध्वनियां निकलेगी क जोड़ आ और जैसे देखिए जब क निकलती है तो वो क्या हो जाती है आधी हो जाती है हा? का और आ मिलके पूरा का बनता है ठीक है आ यहाँ पे क्या है स्वर है और ला जोड़ आ और इस ये लाइन का मतलब होता है हलंत बोला जाता है इसका मतलब ये लाइन जोड़ने का मतलब क्या होता है कि वो आधा ठीक है और का ललम और जोड़ तो देखिए जब हम कलम बोलते हैं कलम तो क्या उसका मतलब क्या होता है क अ अ कलम जब जब हम तीन तीन ध्वनियों यानी तीन वर्णों से बनी हुई तीन वर्णों से बने हुए शब्द को जब हम बोलते हैं हमको लगता है तीन ही है लेकिन उसके पीछे आ जुड़ा रहता है जो मात्रा होती है जो स्वर है व्यंजन हमेशा क्या होता है व्यंजन के साथ हमेशा स्वर जुड़ा रहता है तो स्वर हमारे कितने होते हैं आप सबों को पता होगा आप सभी बताइएगा मुझे कि स्वर कितने होते हैं और इस स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं हमारे हिंदी में हिंदी भाषा में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं ठीक है अब आगे देखिए हम कोई और शब्द लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ वादल लिखा ठीक है बादल लिखा तो अब आप बताएंगे देखिए यहाँ पे आ की मात्रा आ गई क्या की मात्रा आ गई है तो यहाँ पे ब होगा ब में कौन सा आ जुड़ा रहेगा आ की मात्रा आ शब्द जुड़ा है फिर इसमें दा, दा में क्या रहेगा आ, और तो 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 इस प्रकार जब भी आप पढ़ें तो पढ़ें तो उसको उनकी ध्वनियों को स्पष्ट अलग अलग करके एक बार देखें कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन सी ध्वनिया आ रही है। जब हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अब आपके स्कूल खुलने वाले हैं तो अब आप थोड़ी सी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे फिर जल्दी जल्दी पढ़ाइया शुरू हो जाती है तो फिर टाइम नहीं मिलता है स्कूल टाइम में तो आप जल्दी जल्दी ये सब बुक को रीडिंग करना सीखिए क्लास वन के बच्चे को तो छोड़ दीजिए लेकिन क्लास टू से बच्चे जो चले गए हैं थ्री फोर फाइव तो आप अपनी पढ़ाई पे आइए अब स्कूल अब स्कूल में स्कूल खुलने वाले हैं दस दिनों बाद तो स्कूल खुल जाए जो पीछे क्लास में हम पढ़ चुके हैं उसको रिविजन कीजिए ठीक है कि हम अगले क्लास के लिए रेडी हो सके हम पिछले क्लास में जो पढ़ चुके हैं उसको रिविजन कीजिए आपके पास बुक पड़े होंगे उससे और आप अगले क्लास के लिए रेडी हो जाइए ठीक है तो अब हम देख लीजिए कि हमारे पास कैसे वर्ण है और वर्ण को जोड़ के कैसे ये शब्द बना ये क्या हुआ ये वर्ण है और ये क्या है शब्द है ठीक है अब हम देखते हैं कि हम ये जो अब आपने देखा कि जब भी एक व्यंजन लिखा जाता है व्यंजन और स्वर क्या होता है जो आप आप पढ़ते हैं जो मात्रा हुई होती है वो स्वर होता है आ आ, ओ, ओ, ओ ए, ए उ, जो ये शब्द होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन हमारे पास हिंदी में सिर्फ इलेवन स्वर ही होते हैं ठीक है हमारे यहां जो हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं इलेवन स्वर होते हैं आ जो अन और आ है वो स्वर में नहीं आता है ठीक है जो अन और आ स्वर में नहीं आता है बस हमारे पास कितने स्वर हुए इलेवन स्वर हुए स्वर की संख्या कितनी हो गई इलेवन ठीक है तो आप इस प्रकार इलेवन और व्यंजन व्यंजन को हम जो हम व्यंजन पढ़ते हैं क ख गा, गा, अंगा चा, चा, जा, जा, तो वो जो वो क्या होता है व्यंजन और व्यंजन को जब भी हम बोलते हैं तो इन स्वरों की मदद से बोलते हैं जैसे मैंने का बोला तो जब का बोला तो क के पीछे आप उच्चारण करके देखिए का यानी कि पीछे में उसका आ का उच्चारण आ रहा है अगर हम का बोल रहे हैं तो आ का उच्चारण आ रहा है की बोल रहे हैं तो ई का उच्चारण की बोल रहे हैं तो बड़ी का उच्चारण आ रहा है ऊ कु बोल रहे हैं तो ऊ का उच्चारण तो कु बड़ऊ का उच्चारण आ रहा है क्री क्री का वो बोल रहे हैं तो री का उच्चारण आ रहा है के बोल रहे हैं तो ए का उच्चारण आ रहा है और कै बोल रहे हैं तो ऐ का उच्चारण हो रहा है को को बोल रहे हैं तो का रहा है आ रहा है और ओ आ रहा है यानी कि ओ का उच्चारण यानी कि क और अ क तो इस प्रकार जब भी हम कोई व्यंजन शब्द को उच्चारण करते हैं तो वो क्या होता है उसके पीछे स्वर लगा है जब हम हाफ लिखते हैं जब हम किसी चीज को जैसे बच्चा है यहाँ पे हम क्या लिखे बच्चा तो जब बच्चा लिखेंगे तो देखिए ये जो आधा चाह होता है तो यहाँ इसको बहुत ही स्पीडली बोला जाता है बच्चा मतलब कि दोनों के बीच में गैप नहीं छोड़ना रहता है चाप ज्यादा जोर से दबाव देना रहता है तो फिर बच्चा बोल यानी कि यहाँ बीच में हमको गैप नहीं डालना है अगर गैप डालेंगे तो आगे मात्रा आ जाएगी ठीक है तो इस प्रकार हम अपने शब्दों को सही सही पढ़ना सीखिए और सही सही उच्चारण कर कर पढ़ना सीखिए स्वर क्या होता है व्यंजन क्या होता है उसको अभी छोटे बच्चे हैं हैं लेकिन जब हम three, four, five में जाते हैं तो स्वर व्यंजन पढ़ेंगे क्लास वन टू में तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन थ्री फोर फाइव में स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे की कितने स्वर होते हैं तो अभी आप इतना जानिए कि हमारे पास इलेवन स्वर होते हैं कितने स्वर होते हैं इलेवन स्वर होते हैं अन और अह स्वर्ण की संख्या या स्वर्ण की गिनती में नहीं आता ठीक है थीके? इसके आगे हम पढ़ेंगे कि शब्दों की संरचना कैसे होती है ठीक है